स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल सलाह टेक्निकल JPS में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 200 एम्पियर बैटरी को चार्ज करने के लिए मैक्सिमम कितने वाट सोलर पैनल लगाना चाहिए। इस वीडियो में दो बैटरी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, एक इन्वर्टर बैटरी के बारे में और एक सोलर बैटरी के बारे में। देखिए दोस्तों, हर बैटरी का एक लिमिट होता है, मैक्सिमम कितना एम्पियर से चार्ज हो सकता है और मैक्सिमम कितना एम्पियर से डिस्चार्ज हो सकता है। देखिए दोस्तों, बैटरी दो तरीके का बैटरी होता है, एक सोलर बैटरी होता है, एक नॉर्मल बैटरी जो इन्वर्टर बैटरी होता है। दोस्तों नॉर्मल बैटरी जो होता है दोस्तों C20 रेटिंग की होता है और सोलर बैटरी जो होता है C10 रेटिंग की होता है। अगर आपके पास 200 एम्पीयर का बैटरी है तो आपको पहले यही चेक करना है आपका जो बैटरी का रेटिंग C10 या C20। मान लीजिए आपके पास 200 एम्पीयर का C20 रेटिंग की बैटरी है तो आपको सबसे पहले यही करना है 200 को 20 से डिवाइड कर देना है दोस्तों, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकल के आता है 10। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर आपके पास 200 एम्पीयर का C20 बैटरी है तो आप 10 एम्पीयर से चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर आप 10 एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर देकर बैटरी को चार्ज करते हैं तो आपका जो बैटरी का हीट क्रिएट हो जाएगा दोस्तों, हीट आने के बाद आपका जो बैटरी धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे 200 एम्पियर C20 रेटिंग बैटरी को चार्ज करने के लिए मैक्सिमम कितने वाट सोलर पैनल लगाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको वही चेक करना है दोस्तों, कौन से सोलर पैनल 10 से 11 एम्पियर का आउटपुट करंट देता है। तो आपको बैटरी को 10 एम्पियर से चार्ज करना है, उसी हिसाब से आप सोलर पैनल सिलेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए दोस्तों, आपका सोलर पैनल का आउटपुट करंट 10 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों 200 एम्पियर C20 बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन से सोलर पैनल आप लगा सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो 200 एम्पियर C20 बैटरी को आपको चार्ज करने के लिए आपको 200 वाट का सोलर पैनल आप लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस सोलर पैनल का आउटपुट करंट 10 एम्पियर होता है, तो उसी हिसाब से आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे 200 एम्पियर C10 बैटरी को चार्ज करने के लिए मैक्सिमम कितने वाट सोलर पैनल लगाना चाहिए। सोलर बैटरी जो होता है दोस्तों C10 रेटिंग की होता है, तो आपको सबसे पहले यही करना है 200 को 10 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकल के आता है 20। 20 का मतलब दोस्तों आप 200 एम्पियर का C10 बैटरी को 20 एम्पियर से चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों इन दोनों बैटरी में कितना डिफरेंस है। इस डिफरेंस के लिए दोस्तों आपको सोलर बैटरी थोड़ा महंगा पड़ता है और इन्वर्टर बैटरी जो है सस्ते में मिलता है। तो अभी हम बात करेंगे दोस्तों 200 एम्पियर C10 बैटरी को चार्ज करने के लिए मैक्सिमम आप कितने वाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 200 एम्पियर C10 बैटरी को चार्ज करने के लिए आप लगा सकते हैं 200 वाट का दो सोलर पैनल लगा सकते हैं, क्योंकि 200 वाट का सोलर पैनल का आउटपुट करंट 10 एम्पियर होता है दोस्तों, आप उसी हिसाब से दो सोलर पैनल लगा सकते हैं 200 वाट का। तो आप 200 एम्पियर C10 बैटरी को चार्ज करने के लिए आप एक पैनल भी लगा सकते हैं 400 वाट का। तो इस दोनों बैटरी में आप डिफरेंस देख सकते हैं दोस्तों, कितना डिफरेंस होता है इस दोनों बैटरी में। अगर दोस्तों आप 10 घंटे से बैटरी को चार्ज करना है और 10 घंटे से बैटरी को डिस्चार्ज करना है, तो मैं सजेशन करूंगा आप सोलर बैटरी ही परचेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सोलर बैटरी 10 घंटे से चार्ज हो सकता है और 10 घंटे से डिस्चार्ज हो सकता है। अगर आप 200 एम्पियर बैटरी को 20 घंटे से चार्ज और डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो आप इन्वर्टर बैटरी आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टर बैटरी 20 घंटे से चार्ज और 20 घंटे से डिस्चार्ज हो सकता है। ये जो बैटरी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये 200 एम्पियर बैटरी है। अगर दोस्तों आपके पास अच्छा बजट है तो मैं सजेशन करूँगा आप सोलर बैटरी परचेस कर लीजिए दोस्तों, अगर आपके पास कम बजट है तो आप इन्वर्टर बैटरी परचेस कर सकते हैं। सोलर बैटरी का लाइफ थोड़ा ज़्यादा होता है दोस्तों, उसी हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं, आपके ऊपर सब डिपेंड करता है। दोनों बैटरी में 2-3 हज़ार का प्राइस डिफरेंस है दोस्तों, आप उसी हिसाब से परचेस कर सकते हैं। मैं सजेशन करूंगा आप सोलर बैटरी ही परचेस कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा रहता है सोलर बैटरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं भी सोलर बैटरी का यूज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये है लुमिनस का बैटरी है दोस्तों, इसका कैपेसिटी 150 Ah है और ये सोलर बैटरी है दोस्तों, C10 रेटिंग की होता है सोलर बैटरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सोलर लिखा हुआ है और नीचे में आप देख सकते हैं दोस्तों C10 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 150 Ah @C10। इस बैटरी को दोस्तों मैं 10 घंटे से चार्ज और 10 घंटे से डिस्चार्ज कर सकता हूं, क्योंकि ये सोलर बैटरी है दोस्तों, तो उसी हिसाब से आपको बैटरी परचेस करना है दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन दोनों बैटरी में आपको डिफरेंस बताए दोस्तों, उसी हिसाब से आपको बैटरी परचेस करना है। आप सोलर बैटरी का यूज़ भी आप कर सकते हैं और इन्वर्टर बैटरी का यूज़ भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह वीडियो आते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।